प्रदेश की योगी सरकार का गड्ढा मुक्त अभियान शामली में दम तोड़ता नजर आ रहा है। शामली का दिल्ली सहारनपुर हाईवे गड्ढों में तब्दील हो गया है। सड़कों में गहरे गहरे गड्ढे हैं और सड़क पूरी तरह से अस्त व्यस्त है, जिसके चलते आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं, लेकिन कोई भी शासनिक और प्रशासनिक अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं दे रहा। दरअसल हम तस्वीरों में जो सड़क देख रहे हैं, ये शामली का दिल्ली यमुनोत्री हाईवे है, जो कई जिलों को आपस में जोड़ता है, जो दिल्ली से चल रहे बागपत शामली को होते हुए सहारनपुर को आपस में जोड़ता है, जिस पर हर रोज हजारों की संख्या में पर्यटक दिल्ली व उत्तराखंड के लिए यहां से गुजरते हैं। लेकिन तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि सड़क में कितने गड्ढे हैं। आमतौर पर कहा जा सकता है कि सड़कों में गड्ढे नहीं, गड्ढों में सड़क है। प्रशासन व शासन की अनदेखी के चलते शामली का यह हाईवे अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। खराब सड़कों के कारण आए दिन बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं शामली में देखने को मिल रही हैं। विनोद सिंह भाई जी, जो है सड़कें खराब हो रही है, इसमें क्या कहना है आपको? इसमें भी कहना है भाई, सड़क सारी खराब हो रही, या बन जानी चाह सारे को गड्ढे हो रहे, आगे गंडे भी ढोने हमें। सरकार तो उम्मीद थी या कुछ कर नहीं रही, इसमें कुछ न कुछ तो होना चाहिए भैया। जो वाहन आवे हमारे ट्रैक्टर खराब हो लोग रेस में, पत्थर पटे दौड़ लो, यहाँ रोज दुर्घटना होती रहे, एक्सीडेंट हो लिया कई बार। तो आप क्या चाहते हो भाई? चाहे सड़क बन जाए, हमें आराम रहेगा, एक्सीडेंट तो पंडा छूट जाए। जो हमारे टेयर टू खराब हो लग रहे, ये नहीं होने के। वही किसानों की मांग है कि जल्द से जल्द या तो सड़कों को दोबारा बनवाया जाए या फिर इसकी अच्छी से मुरम्मत कराई जाए।